गाइस, माय नेम इज अविनाश अरोड़ा, वेलकम टू अ वायरल ब्लॉग। तो ये मेरी पहली वीडियो है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और मैं जा रहा हूँ यूके फॉर माय स्टडीज़। एंड ये चैनल मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ और आपको पूरी जर्नी दिखा सकूँ मेरी लंदन में। तो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम अविरल है, जैसे कि आपने सुन लिया मैं उत्तराखंड इंडिया से हूँ और मैं जा रहा हूँ लंदन अपनी आगे की पढ़ाई करने फॉर माय बैचलर्स डिग्री। और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद डिजिटल बिजनेस। तो ये कोर्स मैंने बीबीपी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया और आई रिसीव्ड माय कास लेटर ऑन 23rd ऑफ सितंबर एंड आई गॉट माय वीज़ा ऑन 3rd ऑफ अक्टूबर। और मैं मेरी फ़्लाइट आज की है, आज डेट है 17th ऑफ अक्टूबर, 10 बजे की फ़्लाइट है। जब मैं लैंड करूँगा तो इंग्लैंड में 3:20 पर मैं लैंड करूँगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम इट विल बी 8 PM। सो ऐसी वीडियोज़ मैं और भी डालूँगा बट स्टार्ट करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी एंड व्लॉग्स होंगे, घूमना होगा, एन्जॉयमेंट होगा। सो कीप वॉचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन हिट करना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना मेरे चैनल के। बाकी व्यू देखो यार, के बाद आपको एक चीज़ आप डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर माय क्वालिफिकेशंस, लाइक हाउ आई गॉट इनटू। सबसे पहले तो मेरा मूड कैसे बना बाहर जाने का, तो हम इस बारे डिस्कस करते हैं। एंड व्हाई आई चूज यूके, क्योंकि आधों का क्वेश्चन वही होगा, बहुतों ने मेरे से पूछ लिया तो कहीं ना कहीं मैं सोचता ये क्वेश्चन सबका रहता है ये कि यूके ही क्यों। सो सबसे पहली चीज़, मैं CBSE बोर्ड से हूँ, नॉट फ्रॉम एन यूके बोर्ड और स्टेट बोर्ड। सो सेकंड थिंग, आई स्कोर 88% इन माय 10th एंड 92 अप्रॉक्स 93% इन माय क्लास 12th। और मेरी क्लास 12th का रिज़ल्ट आ गया था लास्ट जुलाई में, बट आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो आई वेंट फॉर इट। एंड तब तक मेरा मूड नहीं था बाहर जाने का, मतलब उससे पहले मन तो था लेकिन एट द एंड DU हो गया था तो नहीं मन गया। सो आई वेंट फॉर DU, ऑनलाइन क्लासेस ली, लाइव क्लासेस पे गया तो आई जस्ट फेल्ट नॉट वर्थ इट। एंड मतलब अच्छा सा नहीं लगा कि आई डोंट नो व्हाई। तो आई केम बैक होम एंड टॉक टू माय फैमिली, उन्हें मनाया, ऑब्वियसली हमारे में मनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मनाया। फिर उसके बाद जब वो मान गए तो उसके बाद अप्रैल में मैंने चालू करी अपनी आइल्स। ऑन 23rd ऑफ अप्रैल आफ्टर आई रिसीव माई पासपोर्ट, जस्ट नेक्स्ट डे आई गेव माई एग्ज़ाम, आइल्स एग्ज़ाम। आई स्कोर 7 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6.5 इन एवरी मॉड्यूल। एंड जैसे मेरा रिजल्ट आया उसके बाद आई अप्लाइड फॉर ऑफर लेटर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। एक्चुअली मेरी कनाडा कभी चॉइस नहीं थी, मेरे को बहुतों ने बोला कनाडा था, बट कनाडा वॉज नेवर माई चॉइस। सेकेंड थिंग, ऑस्ट्रेलिया मेरा मन था शुरू से ही, ऑस्ट्रेलिया वॉज माई लाइक प्रायोरिटी। एंड आफ्टर माई स्कोर द कंसल्टेंट, जो मेरा कंसल्टेंट था उसने मेरे को कहा तुम्हारे पास ऑप्शन तीनों है, यू कैन चूज एनी यू वॉन्ट। सो अब आई जस्ट आस्क्ड हिम कि जल्दी कौन सा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को यही था, मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया हो जाता बट उसके लिए मेरे को नेक्स्ट फरवरी और हो सकता था नेक्स्ट जुलाई तक भी वेट करना पड़ता, और आई डिडंट वॉन्टेड दैट। सो यूके, ही सेड यूके सितंबर इनटेक हो जाएगा और आइल्स है तो लाइक वीज़ा चांसेस एंड स्कॉलरशिप्स वगैरह सब चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आई लाइक माई प्रोफाइल वॉज प्रिटी गुड। सो उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर्स मंगाए। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से ऑफ़र लेटर्स मंगाए थे, तब तक यूके से नहीं मंगाए थे, तो यूके से हाँ नहीं मंगाए थे, येस आई रिसीव ऑफर्स फ्रॉम ग्रीनविच यूनिवर्सिटी एंड एक यूनिवर्सिटी और थी एस्टन, और ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, टॉरेंस यूनिवर्सिटी और आई गेस एक और थी जो मेरे को याद नहीं आ रही, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मेरे को ऑफर्स आए थे। बट एज़ आई टोल्ड यू, ऑस्ट्रेलिया में टाइम बहुत वो था और मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे, 2 महीने में मैं नहीं करवाता। सबसे मेन चीज़ उसके लिए 3 महीने फंड्स भी मेच्योर करने होते हैं और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो आई मेड यूके माई प्रायोरिटी। तो जस्ट लाइक अ फुट नोट, मेरे पापा हमेशा से मेरे को लंदन भेजना चाहते थे, क्योंकि लाइक ही हैड सम फ्रेंड्स हु वर लाइक
जो रह के आए हैं, जिनके खुद के नोन रहते हैं वहाँ पे, और उनकी लाइक खुद की जो रिव्यूज़ थे वो पापा को बहुत लाइक अच्छे लगेगी, जाना चाहिए जाना चाहिए. तो आई गेस वो ही हुआ. एंड जब मैं यूके की बात आई तो माई फादर वॉज रियली लाइक हाँ मैं तो शुरू से ही कह रहा था वगैरह. एंड चलो इट्स गुड. उसके बाद मेरा ऑफ़र लेटर आया, तो मेरा ऑफ़र लेटर ग्रीनिच से आया था. आई गॉट अ स्कॉलरशिप और मेरी टोटल फीस बैठ रही थी आई गेस 15-16 lakhs पर एनम, जिसमें मेरे को 6 months की डिपॉजिट करके मेरे को अपना आगे का मैं प्रोसेस बढ़ा सकता था. एस्टन से मेरे को ऑफ़र आया था जिसकी मेरे को फीस याद नहीं आई गेस, उसकी भी 13-14 के अराउंड थी. एक आई ऑल्सो अप्लाइड इन मिडिल सेक्स या, बट उससे पहले उसका ऑफ़र आता आई ड्रॉप द प्लान फॉर ग्रीनिच और एस्टन, बिकॉज ठीक है इट वॉज नॉट लाइक कि फीस के चक्कर में या कुछ, बट हाँ कहीं ना कहीं फीस वॉज अ रीज़न, बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट BPP यूनिवर्सिटी. मेरा एक फ्रेंड है जो वहीं पे पढ़ता है एंड उससे मेरे को एडवाइस दी कि अफोर्डेबल भी है प्लस पढ़ाई अच्छी है, एंड ही सेड कि पढ़ाई वर्थ इट है, कोई इतना वो नहीं है कि अगर फीस कम है तो चीप यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है. सो आई हर्ड हिम, टॉक टू हिम, रिव्यूज़ लिए, ऑनलाइन देखा, हर जगह रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू माई कंसल्ट. सो सॉरी गाइज, मेरे ईयरफोन्स की बैटरी लो हो गई थी, सो ऐसे ही बना लेते व्लॉग. सो कंसल्टेंट के पास मैं गया और उसका टाइप नहीं था BPP से, और उसने कहने मेरे को एडवाइस भी दी थी कि मत चूज़ करो क्या. ठीक है उनका मोटिव चाहे हो ना हो, बट आई कैन से दैट एट द एंड आई हैड टू पे फीस कंसल्टेंट को, सो इट शुड हैव बीन माई चॉइस. एंड कंसल्टेंट बहुत अच्छे थे, जिन्होंने एट द एंड यही कहा कि जैसा सही लग रहा है, एंड ही गेव his बेस्ट. आई लाइक saw myself, उन्हें कॉल्स करते रहता था. तो ऑफ़र आया, उन्होंने मेरे को एक वीक के अंदर ऑफ़र मंगा दिया था. ऑफ़र लेटर आया, मैंने एक्सेप्ट किया. मेरा 3 दिन में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू वॉज लाइक ऑफ जस्ट 3 minutes मैक्स, जिसमें उन्होंने मेरे से कुछ खास नहीं पूछा. लाइक इट वॉज अ मैम, उन्होंने मेरे से पूछा मेरा आइल्ट स्कोर, मेरे 12th के मार्क्स, और जैसे मैंने बताया उसके बाद जस्ट इतना पूछा कि मेरी फेवरेट टूरिज्म स्पॉट कौन सा है. एंड इससे पहले मैं उसके बारे में कुछ बोलता, बीच में ही सीरियर ओके स्टॉप यू आर डन. और 2 दिन बाद मेरे को रिजल्ट मिला डेट आई हैव पास द इंटरव्यू. आई डोंट नो हाउ, बिकॉज मेरा इंटरव्यू जैसा तो कुछ हुआ नहीं. फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया. इंटरव्यू के जस्ट 3 days afterwards जब पास की मेरे को वो बताई, मैंने 3 दिन के अंदर फीस जमा करा दी थी. पहले ही करा देता बट सैटरडे संडे बैंक बंद, सो मंडे जैसे ही हुआ सुबह सुबह फीस जमा करा दी. आफ्टर फीस आई डिपॉजिट फीस ऑन 4th of July, एंड लाइक ऑन 6th of July आई गॉट माई मेडिकल. कॉल कर करके मैक्स हॉस्पिटल जो दिल्ली है उसमें मेडिकल होता है हमारा, तो उसमें कॉल कर करके उनसे डेट पीछे ली. उनको 26 की दी थी, मेरे को 6 की डेट मिली. फिर 6 को मैं मेडिकल दे के आया, और मेरे लाइक माय वर्क वाज कंप्लीट. मेडिकल वाज आई गेस द लास्ट स्टेप बिफोर आई हैड टू अप्लाई फॉर माय कास्ट. फिर मेरे को एक चीज़ पता चली कि 28 दिन मैच्योर फंड्स भी चाहिए. ओके, अब एजेंट से बात हुई, फिर हमने फंड्स रखे 1 महीना. तो जुलाई से अगस्त तक मेरे को वेट करना पड़ा जस्ट बिकॉज आई हैड टू कीप फंड्स फॉर द माई कास्ट लेटर. ओके कोई नहीं, चलो जहाँ इतना काम कर दिया एक काम और कर लिया, 1 महीना वेट कर लिया. उसके बाद आई अप्लाइड फॉर माई कास्ट ऑन 1st of August, एंड इट वॉज सेप्टेम्बर ऑलरेडी. कोर्स स्टार्ट डेट वॉज लाइक सेप्टेम्बर इनटेक था, तो मेरे को था कोर्स स्टार्ट होने वाला होगा, बट नहीं हुआ था, कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था. बट मेरा कास्ट भी नहीं आया. आई वॉज सो स्ट्रेस, लाइक क्या हो गया यार, कहीं लाइक माई लेफ्ट DU, मेरा DU से नाम कट चुका था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे. आई हैड माई इंटरव्यू एट दैट टाइम. सो जब मेरा नाम कटा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया, जब मेरा कास्ट नहीं आ रहा इट वॉज सो लाइक टेंशन भरा. और मैं ऑनलाइन इधर उधर हर जगह हर बंदे को टेक्स्ट कर रहा था कि लाइक जो सेम सिचुएशन में है. देन आई गॉट टू नो UK's कास्ट डिले सिचुएशन इन मिडल, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ भी था कि चल मैं अकेला नहीं हूँ, बट स्टिल टेंशन थी क्योंकि करियर तो मेरा अकेले का भी लाइक मेरे पर्सपेक्टिव में अकेले का ही है. तो उसके बाद आई वॉज लाइक कंटिन्यूसली कॉलिंग माई एजेंट, एंड उनको भी कहीं ना कहीं पीछे से यही जवाब आ रहा था इस वीक, एंड दे वर लाइक टेलिंग मी इस वीक. एक टाइम के बाद वो भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि इस वीक नहीं आता था. तो आफ्टर सम टाइम ऑन 15th or 16th of September माई एजेंट टोल्ड मी दैट आई रिसीव्ड माई ड्राफ्ट कास्ट. सो ड्राफ्ट कास्ट, जिनको नहीं पता, वो कास्ट लेटर की इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करने के लिए कास्ट से पहले ड्राफ्ट आता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको आप चेक कर लो, क्योंकि एक बार कास्ट आ गया तो कास्ट की वैलिडिटी 6 महीने की ज़रूर होती है. उसमें जो कास्ट नंबर होता है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की ज़रूर होती है, लेकिन आप उसको सिर्फ एक बार वीज़ा फाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, तो रिस्क नहीं ले सकते. ठीक है, ड्राफ्ट कास्ट आया, इन्होंने मेरे को बताया. सो आई वॉज अ लिटिल बिट रिलीव्ड बिकॉज ड्राफ्ट कास्ट के कहा जाता है 2-3 दिन में आ जाता है कास्ट. बट आफ्टर ड्राफ्ट 1 week आई डेंट गेट माई कास्ट.
आई वॉज स्ट्रेस्ड, मैं इधर उधर फिर बात कर रहा था अलग अलग यूट्यूबर्स को, टेक्स्ट कर रहा था यूट्यूबर्स के कमेंट्स में, और बच्चे ढूंढ रहा था बीपीपी के. और हाँ, आई इवन हैड अ ग्रुप ऑफ बीपीपी स्टूडेंट्स जो मेरे को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे किसी ने कॉन्टैक्ट किया था, ग्रुप ज्वाइन किया था. वहाँ पर अराउंड 100 पीपल थे, जिनमें से सच्ची बताऊँ तो उस टाइम पर शायद से एक कोई होगा जिसका कास आया होगा, वो भी शायद, पक्का नहीं कह रहा. तो इट वॉज़ अ रिलीफ, बट ऑब्वियसली नॉट कि हाँ अच्छा है या कुछ, बट रिलीफ थी कि अकेला नहीं हूँ. बट जैसे ही एक हफ्ता हुआ ड्राफ्ट के बाद, आई गेस मैं सो के उठा था 12 बजे, क्योंकि कुछ करते नहीं थे, रात भर उठे रहते थे. फिर 12 बजे मैं सो के उठा, तो मैंने जस्ट मैम को, लाइक जो कंसल्टेंट है उनको टेक्स्ट किया कि मैम कोई अपडेट, एंड शी मैसेज्ड मी दैट मेरा कास आ गया. एंड लाइक आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच एक्साइटेड आई वॉज, क्योंकि लाइक इतना स्ट्रेस होने के बाद जब वो चीज़ आ गई फाइनली, क्योंकि इन UK इट इज़ अ मिथ और आई डोंट नो ट्रू, बट मेरे साथ तो सच हो गया. तो मैं क्या बोलूँ कि कास आ गया तो वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया तो यू नो व्हाट, योर करियर स्टार्ट्स. सो कास लेटर आया, मैं आई गेस दैट डे इट वॉज अ सैटरडे एंड बैंक वगैरह सब बंद थे, और इवन जो हमारे मेन कंसल्टेंट जो वीज़ा फाइलिंग करते हैं वो वहाँ ऑफिस में नहीं थे. बट आई वॉज लाइक आई कॉन्ट वेट एनी मोर. एक तो लेट हो चुका था, 23rd September, इट वॉज रियली लेट बिकॉज सेप्टेम्बर इनटेक अक्टूबर में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन स्टिल तैयारियाँ भी करनी होती है. तो जैसे ही मेरा कास आया, मैंने अप्लाई कर दी, मैं गया पैसे लेके इंश्योरेंस के लिए और बाकी एम्बेसी फीस वगैरह सब कुछ. डेट मिली 27th September की, 26th को मैं दिल्ली निकल गया, 27th को मैंने अपना बायोमेट्रिक दिया VFS ग्लोबल में, कुरियर सर्विसेज ली, और 3rd September को मेरा कास आ गया. VFS ग्लोबल में बायोमेट्रिक में कुछ खास नहीं हुआ, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने अपलोड करे और डॉक्यूमेंट्स फिर मेरे को नेक्स्ट रूम में भेजा, फिंगरप्रिंट्स लिए, साइन लिए, फोटो खींची एंड डन, दैट्स इट. लाइक कुछ भी स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं था. उसके बाद व्हेन आई रिसीव्ड माय वीज़ा, आई गेस 27th को मेरे को मैसेज आया फॉरवर्डेड का, बीच में एक सैटरडे संडे था, और 2nd October को मेरे को मैसेज आ गया था कि मेरा डिस्पैच हो चुका है. और UK में अगर रिजेक्शन आता है तो आई गेस डिस्पैच का मैसेज नहीं आता, सिर्फ आपको एक मेल आता है जिसमें आपको सब एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों रिजेक्शन की क्या वजह है, और सच्ची होता है एक डिटेल रीज़न होता. और उसके बाद मेरे कंसल्टेंट के ऑफिस में कुरियर सर्विस कराई थी, वहाँ पे कुरियर हुआ, गए मिठाई विठाई, बिकॉज इतने स्ट्रेस के बाद सिर्फ मिठाई नहीं थी, पार्टी भी हुई थी. तो मैं बहुत खुश था, वीज़ा आया, शॉपिंग मैं कर चुका था आफ्टर कास्ट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कास आ गया तो वीज़ा आ गया बोला जाता है. तो आई वाज लाइक अब मैं कर सकता हूँ, एक 90% चांसेस की बेसिस पे कर दी मैंने शॉपिंग. शॉपिंग की वीडियो जल्दी आएगी, क्या क्या लिया था, क्या क्या लेके आया हूँ फॉर लाइक जो आ गया है उनकी हेल्प के लिए, एंड मैं एक लिस्ट भी लिंक में डाल दूंगा. उसके बाद दैट्स इट आई गेस, फिर शॉपिंग हुई, अब आज मैं यहाँ पे हूँ. मेरा वीज़ा आया था 3rd को, मैंने 14 days बाद की टिकट कराई, बिकॉज थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड मतलब मैं इतना जल्दी भी नहीं रश में रहना चाहता था कि फैमिली को ही भूल जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस में मैं अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया था उनके साथ. लेकिन दीज डेज वी रियली हैड फन एंड वी ऑल वर टुगेदर, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फैमिली, सॉरी मेरे बैग गिर गया, विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, मेरे भाई लोग सब घर पर आ गए थे, एंड वी एंजॉयड अलॉट, घूमे फिरे. और दिल्ली भी इवन मैं 2 दिन पहले आया जस्ट अपने फ्रेंड्स से मिलने, और बहुत मज़े आए. अब 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है, और अभी हो रहे हैं 8:35, 9:10 की बोर्डिंग स्टार्ट है, तो आई गेस मेरे को चलना चाहिए, 30 मिनट्स हैं, और वहाँ पहुँचते पहुँचते भी लग ही जाएंगे 15-20 मिनट. सो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. और आगे ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी, ऐसी नहीं बट इससे भी बेटर, क्योंकि अभी ये फर्स्ट है और बहुत आएंगे. अब इसके अलावा हम आपको पूरे रिव्यूज़ देंगे, कौन सी मेरी एयरलाइंस थी वो भी बता देता हूँ. मेरी एयरलाइंस थी वर्जिन अटलांटिक, एंड मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली टू लंदन हीथरो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 इधर का है. उसके बाद 10 AM पे यहाँ से डिपार्चर है, और 3:20 PM पर लैंड है लंदन पे. तो 4.5 घंटे का टाइम गैप है यहाँ के हिसाब से, 8 बजे एज आई टोल्ड यू. उसके बाद मेरी टिकट की कॉस्ट बैठी थी अराउंड 58,000, क्योंकि डायरेक्ट है, अगर वहीं मैं कनेक्टिंग लेता तो इट वुड हैव बीन लाइक 35-40. बाकी फ़्लाइट के रेट्स एयर इंडिया से ज़्यादा हैं, क्योंकि लाइक थोड़े फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वाईफाई है. सब मेरे से कह रहे थे इतनी महंगी फ़्लाइट के लिए, तो आई वाज लाइक बस वाईफाई मिल रहा है. ऐसा कुछ है नहीं, नेट हाथ में हमेशा चलाते हैं, लेकिन वाईफाई का फ़्लाइट में कि भाई चलो ऑनलाइन रहेंगे पूरा टाइम. बाकी इट्स अ ग्रेट फ़्लाइट, आई हैव लाइक हर्ड गुड रिव्यूज़ फॉर इट, एंड बाकी आपको बताएंगे लंदन पहुँच के. विल कंटिन्यू दिस व्लॉग अंटिल नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, गुड बाय.
हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ.